अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पहली की यूनिट 8.9 द फॉक्स एंड द क्रेन इस कहानी को पढ़ेंगे। फॉक्स यानी लोमड़ी और क्रेन यानी बगला। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लुक लिसन एंड इनएक्ट। वंस अ फॉक्स मेट अ क्रेन। हेलो क्रेन, हाउ आर यू। एक मर्तबा एक लोमड़ी एक बगले से मिली। जब हम किसी से मिलते हैं तब सलाम करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हेलो कहा जाता है। लोमड़ी ने बगले को हेलो कहा और उससे अब खैरियत दरियाफ्त की। हाउ आर यू यानी कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। बगले ने कहा, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हो। आई एम फाइन क्रेन, डू यू लाइक खीर। लोमड़ी ने कहा, मैं अच्छी हूँ। बगले, क्या तुम्हें खीर पसंद है। ओ येस आई लव खीर, हाँ मुझे खीर बहुत पसंद है। Then come to my house, we will have a खीर। फिर लोमड़ी ने कहा, आप मेरे घर आइए, हम खीर लेंगे। We will have खीर यानी हम खीर खाएंगे। क्रेन went to फॉक्स हाउस। बगला लोमड़ी के घर गया। फॉक्स served खीर in two dishes। लोमड़ी ने खीर को दो प्लेटों में निकाला। Dishes यानी प्लेटें। Eat up your खीर quickly, then I will give you some more। अपनी खीर जल्दी ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें और दूंगी। Poor crane, बेचारा बगला। He could not eat quickly from the dishes। उसे उन प्लेटों में खीर खाने नहीं आ रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि बगले को खीर क्यों नहीं खाने आ रही थी। बगले की चोंच उस प्लेट में नहीं पहुंच रही थी, जिस वजह से वो बराबर खीर नहीं खा पा रहा था। फॉक्स एट अप ऑल द खीर। लोमड़ी ने तमाम खीर ख़त्म की। ही बिगैन टू लाफ, हा हा हा, और वो हंसने लगी, हा हा हा। क्रेन सेड, बगले ने कहा, फॉक्स कम टू माई हाउस टुमारो, वी विल हैव सम मोर खीर। लोमड़ी, कल आप मेरे घर आइए, अपन और खीर लेंगे। फॉक्स वेंट टू क्रेन्स हाउस। लोमड़ी बगले के घर गई। क्रेन सर्व्ड खीर इन टू टॉल पिचर्स। बगले ने खीर दो बड़े सुराही नुमा बर्तन में निकाली, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ईट अप योर खीर क्विकली, अपनी खीर जल्दी से ख़त्म करो। देन आई विल गिव यू सम मोर, फिर मैं तुम्हें और दूंगा। पुअर फॉक्स, बेचारी लोमड़ी। ही कुड नॉट ईट क्विकली, वो जल्दी नहीं खा पा रही थी। फ्रॉम द पिचर, उस सुराही नुमा बर्तन में। सो क्रेन एट अप ऑल द खीर, और बगले ने पूरी खीर ख़त्म कर दी। क्या आप बता सकते हैं कि लोमड़ी खीर क्यों नहीं खा पा रही थी। हाँ, लोमड़ी खीर इसलिए नहीं खा पा रही थी क्योंकि लोमड़ी का जो मुंह है वो उस बर्तन सुराही नुमा बर्तन तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए लोमड़ी वो खीर नहीं खा पाई। और बगले की चोंच की वजह से बगला बआसानी वो खीर ख़त्म कर पाया। फॉक्स लर्न हिज लेसन। लोमड़ी को सबक हासिल हुआ। इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, क्या आप बता सकते हैं। हाँ, तो इस कहानी से हमको ये सबक मिला कि जैसी करनी वैसी भरनी।